खबरों में बात करते हैं मुजफ्फरनगर के पुरकाजी की, जहां पर बाईपास एनएच 58 पर लगाया जाम। किसान यूनियन ने योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा मांग रखते हुए कहा कि किसानों की सिंचाई में प्रयोग होने वाली बिजली का मूल्य 2 गुना और खाद डीजल आदि में लगभग 20% से भी अधिक वृद्धि हुई है, जिससे गन्ना किसानों को लगातार नुकसान हो रहा है। मेरा नाम मांगेराम त्यागी, ब्लॉक अध्यक्ष पुरकाजी। जी, किस समस्या को लेकर यहाँ रोड प्रदर्शन किया गया? समस्या को लिया गया कि रोड पर जब आदमी चलता है रोड की तरफ, तो वो एक कहावत है बड़ों की, तंग आया जंग आया। जी, किसान बहुत ही तंग है। यानी के जो अनुसंधान केंद्र है सरकार द्वारा बनाए हुए, उस पर ही इसकी लागत जो गन्ना पैदा करने में लागत आ रही 300 रुपये क्विंटल। जी, और 3 साल से भारतीय जनता पार्टी ने हमारा एक भी रुपया नहीं बढ़ाया। जी, खाद, कृषि यंत्र, सिंचाई, डीजल, इस पर 3-3 गुने पैसे जो है 3-3 गुना रुपया बढ़ गया। और किसना किसान इतना त्रस्त है कि आज जो है अगर यही स्थिति आने वाले 1-2 साल और चलती तो आत्महत्याओं को मजबूर हो जाएगा किसान, आत्महत्या करने लगेगा। बहुत ही ऊत पीटित है किसान, बहुत ही परेशान है। तो अब आपको क्या आश्वासन दिया गया? आश्वासन यह है कि हमने माननीय योगी जी को जो है ना इसका वो दिया, और इसका अगर कोई वो नहीं होता तो आज तो सड़क रोक रखी, कल को इनकी जो है ना हम मंत्रियों की और इनकी हाईकमान के आदेश अनुसार जो हमारे हाईकमान करेंगे इनका इलाज करेंगे, जो ये सरकार में बैठे लोग, और अपना हक लेकर रहेंगे। जी, धन्यवाद।